हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हम चैप्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, ठीक है, कि ट्रेड और कॉमर्स हमारा हिस्ट्री क्या है, ट्रेड और कॉमर्स का क्या क्या होता था पहले के ज़माने में हमारे इंडिया में, और अब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे इस वीडियो में, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस, कि हमारा बिज़नेस क्या होता है, ठीक है, बिज़नेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम बिज़नेस की। बिज़नेस के नाम ही से क्लियर है, बिज़ी, ठीक है। बिज़नेस मीन्स ही होता है बिज़ी, जब आप कोई काम करने में बिज़ी रहते हैं तो वो एक तरह का बिज़नेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, तो हमारा जो टर्म बिजनेस है वो बिजी वर्ड से शुरू हुआ है, बिजी वर्ड से जाकर के बिजनेस बना है। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, तो बिजनेस का सिंपली मतलब क्या होता है कि बीइंग बिजी, खुद को बिजी रखना, बीइंग बिजी रहना, ठीक है। तो बिजनेस इज एन कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, एक कॉमर्शियल या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ट्रेड और ऑक्यूपेशन विच परफॉर्म टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस एक कॉमर्शियल या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये एक आपकी इकोनॉमिक या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, एक तरह का एक ऑक्यूपेशन होता है जिसमें आप कोई भी एक चीज़ परफॉर्म करते हैं, कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए, ठीक है। बिजनेस इज़ अ ब्रॉड टर्म, बिजनेस एक बड़ा वर्ड होता है, बट दीज प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटीज जनरली इंक्लूड प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ गुड और सर्विसेस दैट पीपल वॉन्ट और नीड। तो बिज़नेस एक ब्रॉड टर्म होता है और ये प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हमें प्रॉफिट गेन करना हमारा मोटिव होता है। जनरली इंक्लूड प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जनरली बिजनेस में कुछ काइंड के गुड्स या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं पीपल को और प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। द बिज़नेस कॉन्सेप्ट इज़ द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड द बिज़नेस, बिजनेस कॉन्सेप्ट एक फंडामेंटल आइडिया है जो कि बिजनेस के अंदर बनाया गया है। द बिजनेस मॉडल प्लान विजन एंड मिशन आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, तो बिजनेस का जो मॉडल हम बनाते हैं, कोई प्लान बनाया जाता है, कोई विजन या मिशन होता है, तो वो बेसिकली बिजनेस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, बिजनेस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। सिंपली वी कैन से इन बिजनेस पीपल रेगुलरली इंगेज इन एन एक्टिविटी विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, सिंपली हम बोल सकते हैं बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पीपल रेगुलरली कॉन्टीन्यूसली इंगेज रहता है और वो एक्टिविटी करके कॉन्टीन्यूसली वो अर्न करता है प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस की जो है टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेनली दो तरह की होती हैं, एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक आपकी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और एक आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिज़नेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम ऐसी एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिनको करने पर हमें इनकम मिलती है, ठीक है, जिसको हम मनी के लिए करते हैं, जो एक्टिविटीज़ आप करके आप पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी जीविका करना चाहते हैं, यानी लिवलीहुड के लिए करते हैं या फिर मनी अर्न करने के लिए करते हैं, वो एक्टिविटीज़ आपके बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो बिज़नेस भी आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिज़नेस करते हैं आप अपनी लिवलीहुड के लिए करते हैं या फिर मनी अर्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। और एक होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको आप सेल्फ मोटिव के लिए करते हैं या फिर आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि लव हो गया, केयर हो गया, अफेक्शन हो गया, ठीक है। अगर आप अपने फैमिली में सबको चाय बना के पिला रहे हैं तो उससे कोई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई मनी अर्न नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए कहलाती है क्योंकि आप उसको अपने इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बिज़नेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। चलिए अब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि बिज़नेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बिज़नेस की करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या क्या होते हैं, बिज़नेस में एग्जैक्टली क्या क्या होता है उन्हीं को हम फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिज़नेस हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिज़नेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि बिज़नेस हम करते हैं, हमारा जो मोटिव होता है बिज़नेस करने का वो मनी अर्न करना होता है और अपनी हम लिवलीहुड के लिए बिज़नेस करते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ जो आप
मनी अर्न करने के लिए या अपने लिवलीहुड के लिए करते हैं वही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो बिज़नेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सेकंड है हमारा प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिज़नेस में हम प्रोडक्शन भी करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज भी करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन भी करते हैं और परचेजिंग भी करते हैं, परचेज या प्रोडक्शन कहते हैं, या फिर हम प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं बिज़नेस में, या तो आप प्रोडक्शन करते हैं तब आप बिज़नेस करते हैं, या फिर आप प्रोक्यूरमेंट करते हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इन द सेंस कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप कोई गुड्स खुद ही बनवाते हैं रॉ मटेरियल परचेज करके, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट करते हैं, तब आप उसका बिज़नेस करते हैं। ठीक है, और एक आप क्या करते हैं कि कहीं से बना बनाया सामान आप खरीद के लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बुक की शॉप है, ठीक है, तो आप कहीं से ढेर सारी बुक्स थोक रेट से आप खरीद के ला रहे हैं होलसेलर से, और यहाँ कहीं मतलब आप शहर से लेके आ रहे हैं, सिटी से लेके आ रहे हैं, और कहीं रूरल एरिया मीन्स या तो गांव में आप कहीं पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, मतलब बुक्स को सेल कर रहे हैं, आप सिटी से परचेज करते हैं और आप सेल कहाँ पर कर रहे हैं, रूरल एरिया में कर रहे हैं, मीन्स यू परचेज बुक्स फ्रॉम सिटी एंड सेल टू रूरल एरिया, तो ये आपका प्रोक्यूरमेंट कहलाता है। तो बिज़नेस दो तरह से होता है, या तो आप प्रोडक्शन करके करते हैं या फिर आप प्रोक्यूरमेंट से करते हैं, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ ही बिज़नेस में आती हैं। नेक्स्ट है आपका सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज की आप सेलिंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिज़नेस में आप या तो गुड्स सेल करते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में आप मनी लेते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी इन डीलिंग, ये भी होता है, बिज़नेस आपका रेगुलर बेसिस में होता है। ठीक है, बिज़नेस हमारा हमेशा रेगुलर बेसिस पे होता है, जब आप कोई काम रोज़ करते हैं और उससे आपको फ़ायदा मिलता है वही आपका बिज़नेस कहलाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया फिर जो है आप महीनों कर ही नहीं रहे तो वो बिज़नेस नहीं कहलाता। ठीक है, तो बिज़नेस में कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, ये भी एक फीचर है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव नहीं होता बिज़नेस का, लेकिन प्रॉफिट के बिना भी कोई बिज़नेस नहीं चल सकता। ठीक है, तो बिज़नेस के रन करने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। नो बिज़नेस कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट, कोई भी बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता बिना प्रॉफिट के। ठीक है, नो बिज़नेस कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिज़नेस में कोई ना कोई रिस्क होता है। ठीक है, आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप ये नहीं जानते कि ये चल जाएगा या फ्यूचर में हमको इससे फ़ायदा होगा, ये आप कंफर्म किसी से नहीं कह सकते कि आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, क्योंकि बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें रिस्क होता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, आप कंफर्म श्योरिटी नहीं कर सकते कि हाँ मुझे प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट है आपका अनसर्टेन रिटर्न। सर्टेन नहीं रहता रिटर्न। ठीक है, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप ये सर्टेनिटी नहीं कह सकते कि हाँ मैं 2 लाख का प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, वो कम भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, 4 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो रिटर्न अनसर्टेन है, कोई फिक्सेशन नहीं है रिटर्न में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीगल एंड लॉफुल। बिल्कुल, हमारा जो बिज़नेस होता है वो लीगली होता है और वो लॉफुल होता है, मींस गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए ही बिज़नेस आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं और लोगों को नुकसान हो रहा है तो भी आप बिज़नेस करेंगे। ठीक है, तो आप जो लीगलिटी है वो फॉर्मेलिटीज़ और लॉज को फॉलो करते हुए ही बिज़नेस करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये भी हमारा मेन मोटिव होता है, अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाई ही नहीं होगा तो हमारा बिज़नेस ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा तभी हमारा बिज़नेस रन करेगा और हमें प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको सारी करेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होंगी और बिज़नेस का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।